आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। और इस वीडियो में हम आपको को समझाने बताने जा रहे हैं कि श्री कल्कि अवतार की यथार्थ पहचान क्या है। वास्तव में कल्कि अवतार हैं कौन या फिर होंगे कौन, आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। हे श्री अवतार, जो वीडियो को लास्ट तक देखे आप उन्हें विशेष आशीर्वाद देना। मित्रों, अब आप जानें कि श्री अवतार की विशेष पहचान क्या है और वे संसार में क्या क्या हैं करने वाले। देखिए, आप सबसे पहली बात जो समझें जानें कि व्यक्ति अवतार स्वयं नहीं बनता। व्यक्ति को बनाती है कौन? नेचर, सृष्टि। जैसे कि पंचायत का सरपंच स्वयं नहीं बन जाता कोई, लोग उसे चुनते हैं। देश का पीएम स्वयं अपने मन से व्यक्ति नहीं बन सकता। मैं कह दूं कि मैं हूं देश का पीएम, लोग मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे ना। जिसे समूचा देश चुनेगा वह होगा पीएम, और उसके हाथ में आती है सत्ता। वैसे ही जिस व्यक्ति विशेष को ये समूची नेचर, सूक्ष्म, कारण, स्थूल, ये तीनों ही स्तर सृष्टि के, नेचर के, जिसे अपना नेता, उद्धार करता, जिसे चुनती है, वही अवतार होता है। तो यह बात जान लें कि व्यक्ति स्वयं अपनी इच्छा से नहीं बन सकता अवतार। जिसे पूरी सृष्टि, यह पूरी नेचर चुनेगी, वही अवतार हो सकता है। और उसके ही हाथ में युग को बदलने की आती है शक्ति, आती है सत्ता, और इसलिए वहमी और ढोंगी जो है अवतार आज देश में बहुत सारे। मैं सबसे ही आग्रह करता हूं कि भैया, आप अपने वहम से बाहर निकलें, और जो ढोंग कर रहे हैं भैया, आप भी ढोंग से बाहर निकल जाएं, आपके लिए अच्छा ही रहेगा। अब यहां समझना है कि यथार्थ में कौन है अवतार। यदि हम चाहें तो आज ही बता दें आपको, लेकिन इस पर रोक है। 2023 से पहले इसकी हम स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको तब भी वैसी बातें बता देते हैं कि जो जानने सुनने के बाद आपके अंदर के सारे वहम दूर हो जाएंगे। वह होगा अवतार जो कि सृष्टि में होने जा रहे विनाश को, महाविनाश को रोक दे। भगवान विनाश हेतु नहीं आते, निर्माण हेतु आते हैं। विनाश तो राक्षसीपन है, यह देवत्व तो नहीं होता। इसलिए हमारा मानना है कि जो महाविनाश को रोक सकता हो वो है श्री कल्कि अवतार, जो तीसरा विश्व युद्ध को रोक सकता हो, रोक दे, वो है श्री कल्कि अवतार। देखिए, युद्ध तो होंगे लेकिन विश्व युद्ध नहीं होगा। यदि ऐसा हुआ ही तो फिर भगवान के यहां आने का लाभ क्या? वह तो हो जाता, वैसे भी हो जाता विनाश।
तो मित्रों हम अवतार उसको ही मानेंगे जो तीसरा विश्व युद्ध को रोक दे, और हम अवतार उसको मानेंगे जो समूची धरती को एक देश बना दे, एक राष्ट्र बना दे। इसके बाद तो युद्ध ही समाप्त हो जाएंगे ना। राष्ट्रों के बीच जो आज दम है, द्वेष है, छीना झपटी है, वो समाप्त। इसलिए भगवान ये करने जा रहे हैं, और जिसके लीडरशिप में यह होगा वही हमारा होगा श्री भगवान, श्री भगवान का अवतार, और हम उसे मानेंगे अपना अवतार जो धर्म की संस्थापना विश्व में फिर से एक बार कर दे, क्योंकि उसकी घोषणा ही है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिरभवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसकी तो घोषणा ही है कि ए भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, मैं तब तब जन्म लेता हूं, मैं तब तब अवतरित होता हूं संतुलन बनाने के लिए धर्म अधर्म के बीच में। धर्म पर ही सृष्टि है टिके हुए, धर्म ही उत्पत्ति पालन का आधार है, धर्म ही सृष्टि का सार है, जीवन का सार है। और हम यह मानते हैं कि धर्म को अभी लोग अच्छी तरह से समझते ही नहीं है, यहां तक कि तो पंडित भी आधा ही समझते हैं, अधूरा ही समझते हैं। आज देखिए सैकड़ों धर्म है विश्व में, अरे बकवास है ये, धर्म तो धर्म होता है, धर्म तो एक ही हो सकता है, धर्म बस धर्म है, उसका कोई नाम नहीं होता, वह सनातन नहीं, इस्लाम नहीं, बौद्ध नहीं, जैन नहीं, सिख नहीं, ईसाई नहीं, धर्म केवल धर्म। अब अधिक व्याख्या नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम श्री अवतार मानेंगे किसको, जो कि वर्तमान में भयावह हो रही है, जो संकट मिट्टी जल वायु ध्वनि और एटॉमिक जो हो रहा है ना पॉल्यूशन, इसको रोक दे, जो पॉल्यूशन को रोक दे, समाधान इसका ढूंढ ले और विश्व को इससे दिला दे निजात, वह अवतार होगा हमारा। और इस तरह से हम व्यक्ति नहीं शक्ति को अवतार मानेंगे, और हम श्री भगवान जी के ही आदेश से यह घोषणा कर रहे हैं कि श्री कल्कि अवतार को व्यक्ति नहीं आप मान ले शक्ति, आप मान ले ओहदा, आप मान ले पद, जैसे कि होता है राष्ट्रपति का पद, वैसे ही मान लीजिए आप। और जिसने ये सारे कार्य दिखाए करके हम उसी व्यक्ति को ही अवतार मानेंगे। मित्रों बकवास बताने वाले तो आज बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमें करके दिखा दे, जो युग को बदल कर दिखा दे, धरती को एक देश बनाकर दिखा दे, और सारे पंथों संप्रदायों को जो एक बनाकर दिखा दे, और जो तीसरा वर्ल्ड वार को टाल दे, पॉल्यूशन से हमें छुटकारा दिला दे, वैसे विश्व नेता को, वैसे उद्धारकर्ता को हम मानेंगे श्री अवतार। बोलिए श्री कल्कि अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध।